राधे राधे। अब हम हैं कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और ये ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र धर्म की नगरी, गीता के उद्गम की नगरी, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीका से मनाया जा रहा है गीता महोत्सव हर वर्ष की भांति। आइए सभी करें ब्रह्म सरोवर के दर्शन। सरस मेला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022। ये ब्रह्म सरोवर, इस सरोवर में भगवान श्री कृष्ण ने, केशवी राधिका रानी ने दर्शन किए थे, स्नान किए थे। ब्रह्म सरोवर सूर्य ग्रहण पर स्नान करने का बहुत महत्व होता है, अक्षय यज्ञों के बराबर। बबीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ रही हैं और अग्रिम जीत की आपको बधाई। बबीता बड़ाना फरीदाबाद से हैं और ये चुनाव लड़ रही हैं आपको, और शायद आज ही आपका चुनाव है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की धरती से आपको शुभ आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण आपको सफल करें, और दर्शकों आप दर्शन कर रहे हैं ब्रह्म सरोवर, यहाँ महोत्सव मनाया जा रहा है गीता महोत्सव। गीता जब भगवान श्री कृष्ण ने जो सुनाई उसी का ही महोत्सव चल रहा है। हर साल यहाँ पर मेला लगता है और बहुत ही सुंदर तरीका से सुंदरता का, और एक भव्य सरोवर आप देख रहे हैं, समुद्र जैसा दिखाई दे रहा है। इधर सूर्यदेव भगवान, इधर हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं। देश की आन बान शान, गीता महोत्सव। राधे राधे। और आप सभी को देखिए कितना सुंदर घाट है, कुंती घाट के नाम से है। कुंती घाट ये आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर तीर्थ स्थल है। और आप दर्शन कर रहे हैं दिव्य आलौकिक धाम ब्रह्म सरोवर के। स्वाति तनेजा जी, आप फरीदाबाद से हैं, सेक्टर 18 कुरुक्षेत्र धर्म नगरी। दिव्य आलौकिक नजारा ब्रह्म सरोवर, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किए थे राधिका रानी ने। हमारे पुराणों में सनातन धर्म का अद्भुत तीर्थ। अद्भुत तीर्थ, और कितना सुंदर घाट मनोहर। ये देखिए कई किलोमीटर के बीच में फैला हुआ ये अद्भुत नजारा। Please
अद्भुत नजारा, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र धर्म नगरी। ये पूरी टीम सभी ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र आप दर्शन कर रहे हैं। दिव्य अलौकिक धाम तीर्थ कुरुक्षेत्र आप सभी जुड़ते जा रहे हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण की गीता माता की ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। गीता जयंती पर आप ब्रह्म सरोवर के इसका बहुत बड़ा महत्व है। लाला रे ऐसा ले चलो अग नहीं है शंख के लिए रखने का। और ये हमारे ब्रज की आन बान शान ब्रह्म सरोवर के आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जब महाभारत युद्ध हुआ उसके उपरांत सभी को पाप से निवृत्ति के लिए स्नान कराए थे इस सरोवर में। और सूर्य ग्रहण पर बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ की कला। अच्छा सब में ही चल रहे हैं। लाला रे ये पूछियो कितने कितने के हैं दो। यार एक ही पूछ लिया ढाई से दो दे। एक भाई तू याद ऊपर को ऑफिस के लिए चाहिए। हम नीचे है ना हमें पानी भर के फूल डल जाए। बताओ भाई बताओ पर एक दो दे यार ढाई सौ के। सभी को राधे राधे। बड़ा ही मनोहर दृश्य आज बरकाधाम आश्रम से चलकर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे गुरुजी महाराज बाबूजी राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी बरकाधाम आश्रम से चलकर कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पदार्पण करते हुए इसी के साथ आज एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम कुरुक्षेत्र के पास मणोकरा बालाजी धाम में। भैया को इसे जानता है इंट्रोडक्शन महाराज जी को जानते हो आप? जानते हैं जी कैसे? हमने बहुत बड़ी यज्ञ करी थी बर के गांव में। अच्छा अरे वाह वाह वाह। हमाम गए थे हम लोग। गए थे बहुत 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 बड़ा यज्ञ किया था। बहुत बड़ा यज्ञ महाराज जी ने बरका गाँव में। हाँ जी। तो आप कुरुक्षेत्र में दुकान करते हो? यहाँ पे हम सब जगह जाते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबूजी के नाम से जानते हो? राधे राधे बाबूजी के नाम से महाराज जी के ब्रज मंडल में इनकी बहुत बड़ी छवि है। अच्छा अरे वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आप गीता आज यहाँ आपने ब्रह्म सरोवर पे अपनी दुकान लगा रखी है तो ग्राहकी अच्छी निकलती है यहाँ? हाँ जी
तो यहाँ कब लगता है मेला और नहाने का जो पर्व रहता है? इसी में लगता है, इस साल ही लगता है। अच्छा, तो सुंदर तो आज सुंदर सुहावना पल, खूबसूरत सुबह कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पदार्पण करते हुए राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे गुरु जी महाराज कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर ब्रह्म सरोवर पर बटन दबा के बात करो ना। जो एक तो एक ब्रह्म सरोवर पर आज बड़ा ही सुंदर दृश्य जो कि गीता भवन व ब्रह्म सरोवर के दर्शन करके अपने जीवन को कीर्तमान बनाया हम सभी ने। साथ में हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज जो कि आज कुरुक्षेत्र के पास में मड़ोकरा गांव है, वहां पर बालाजी का दरबार लगता है, बहुत बड़ा, देश विदेशों से लोग आते हैं वहां पर। आज राष्ट्रीय संत जी राधे राधे बाबूजी समागम करेंगे एवं वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आज पदार्पण हो रहा है राधे राधे बाबूजी महाराज का। और आज ही वहां विश्व हिंदू महासंघ की जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होगी जो कि विश्व हिंदू महासंघ भारत का सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन है जिसके राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज ब्रजक्षेत्र अध्यक्ष हैं। आज वो अपने विश्व हिंदू महासंघ का विस्तार करने के लिए कुरुक्षेत्र जिले के अध्यक्ष मनोनीत करने जा रहे हैं। मड़ोकरा धाम से हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, देश विदेशों से लोग बाग उनके धाम पे आते हैं। राजेश जी को कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष के रूप में विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज नियुक्त करेंगे एवं बहुत ही सुंदर दृश्य, बड़ा ही पावन धाम है, यहाँ दर्शन करके सब लोग अपने आप को बोलते रहे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और ब्रह्म सरोवर देवालोकिक धाम आज भ्रमण कर रहे हैं। तीर्थ नगरी कुरुक्षेत्र, अद्भुत नज़ारा, और आप सभी मैं चाहता हूँ एक बार जरूर कुरुक्षेत्र आकर इस ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाएं और जीवन को अपने को मंगल में बनाएं। गीता की पावन स्थली, गीता की उद्गम स्थली, यहीं पर पूरे विश्व को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को माध्यम बनाकर, और उसके उपरांत हम पेवा जाएंगे जहाँ पर पितरों की शांति के लिए अद्भुत तीर्थ है। पेवा में जो भी अपने पितरों के नाम से पूजा पाठ तर्पण अर्पण कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके बाद हम पेवा और उसके बाद मड़ोकरा धाम, बालाजी धाम जहाँ पर आज समागम है, यज्ञ है, उस यज्ञ में सम्मिलित होंगे और हमारे बहुत दर्शक और बहुत हमारे साधक वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जरूर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुँचकर ब्रह्म सरोवर के दर्शन आप जरूर करेंगे और ये अद्भुत नजारा चारों तरफ सरोवर में सभी हम डुबकी लगाकर अपने
राष्ट्रीय संत राधे राधे गुरु जी के साथ में, जिसमें की दुनिया फिरती है। दिव्य आलोकिक नगरी कुरुक्षेत्र और ब्रह्म सरोवर के आप दर्शन कर ही रहे हैं। दिव्य आलोकिक धाम सरोवर के दर्शन, जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। आप कर रहे हैं दर्शन ब्रह्म सरोवर के। दर्शकों, एक बार सूर्य ग्रहण पर आता और सूर्य ग्रहण पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहुंचे थे और उधर से हमारी लाडली सरकार किशोरी राधिका रानी आई थी, तो रुक्मणी को पता लगी कि राधिका रानी भी आई हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो किशोरी राधिका रानी आई हुई हैं, हम उनके दर्शन करके आए। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही सौभाग्य होगा, आप जाइए। तो रुक्मणी जी ने कहा कि उनको क्या चीज़ प्रिय है, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किशोरी राधिका रानी को दूध बड़ा प्रिय है, गाय का दूध। गाय के दूध के बारे में जब कहा तो रुक्मणी जी गाय का दूध लेकर गई, गर्म दूध लेकर गई। किशोरी जी इनसे जाकर मुलाकात हुई और मिलने के उपरांत दूध के लिए आग्रह किया। राधिका रानी ने जब रुक्मणी जी लेकर गई, मना भी नहीं कर पाई, उस गर्म दूध को पी गई। और जब रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शिविर में पहुंची तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में छाले पड़े हुए थे। तो पूछा, प्रभु अभी तो मैं आपको ठीक छोड़कर गई, आपके पैरों में छाले कैसे हो गए, क्या कारण है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मणी जी, जो आपने गर्म दूध राधिका जी को पिलाया, उनके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, उस सीधा गर्म दूध मेरे पैरों पर पड़ा जिससे छाले हो गए हैं। जब रुक्मणी का जो भ्रम था वो टूटा कि वास्तव में किशोरी राधिका रानी लाडली सरकार मेरे प्रभु से कितना स्नेह करती है, कितना प्रेम करती है कि उनके हृदय में त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद विराजमान रहते हैं। और किशोरी राधिका रानी अद्भुत हमारी ब्रज की महारानी, इस ब्रह्म सरोवर में स्नान किया था, इसलिए हमारा कर्म धर्म बनता है कि उनकी महिमा का गुणगान किया जाए। और राधिका रानी ब्रज की महारानी, वृंदावन की रानी, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये, ज्ञानी सो ध्यानी भये त्रिपुरारी, जाकी कृपा विद वेद रचे भये व्यास पुराणन के अधिकारी, जाकी कृपा सो त्रिलोक धनी सो कहावत हैं ब्रजचंद बिहारी, हमरे हुकाज करेंगी वही श्री कृष्ण प्रिया ब्रसभान दुलारी। वृंदावन के वृक्ष को मरम ने जाने कोय, डारे डारे और पात पे श्री राधे राधे हो, राधे अलवेली सरकार भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी में यहाँ आकर जो राधा नाम उच्चारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके संपूर्ण पाप कष्ट दुखों को दूर करते हुए ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का क्षय होता है। और सूर्य ग्रहण पर अगर इसमें स्नान किया जाए तो अश्वमेघ यज्ञ से भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दिव्य आलौकिक महाभारत काल में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जब महाभारत युद्ध हुआ उस पाप का पश्चाताप करने के लिए इस सरोवर में डुबकी लगाई, जिससे समस्त पाप कष्ट दुख दूर होते हैं। और गीता महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर, बहुत विशाल, अभी दुकान खुली नहीं है, चारों तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा पूरा ये सरोवर श्रद्धालुओं से भर जाएगा। और ये 6 दिसंबर तक ये अद्भुत मेला चला हुआ है। मैं चाहता हूँ जरूर आप कुरुक्षेत्र में आकर इस मेले का आनंद लें, ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य का आनंद लें, प्रभु की कृपा को, भगवान कृष्ण कृपा को पाएं। और हमारे रेति रमन जी जुड़ गए हैं छाता से, मथुरा से, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आना चाहिए था, आप किसी कारण आप नहीं आ पाए, क्योंकि आप अदालत का काम देखते हैं, तो इसलिए आपकी कई तारीख वहाँ पर चलती रहती हैं। आप बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं, तो चलो फिर, आप भागवत कर रहे हैं बरका धाम में, आने वाले रविवार से आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई।
और आप एडवोकेट तो है ही हैं, आपको एक और उपाधि मिल जाएगी व्यास गद्दी की, व्यासा विष्णु रूपाय। ये भगवान की अपार जो कृपा होती है, जब भगवान कृष्ण की कथा सुनने का, सुनाने का, सुनवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं, वासुदेव कथा प्रसन्न पुनात पुनात ही वक्तारम प्रचोलम श्रोताम सलिलम। यथा कलिकाल कलयुग में जो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनवाते हैं, वो भगवान के ही समान हो जाते हैं और तीर्थ नगरी में अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, घर में जो हम पूजा पाठ जप तप ध्यान स्नान करते हैं उसका एक गुना, तीर्थ मंदिर में अपने घर के आसपास जो मंदिर होते हैं उसमें 100 गुना और ऐसे तीर्थों में 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और गुरु के समक्ष अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, अनंत पुण्य की प्राप्ति आप प्राप्त कर रहे हैं जो आप इसको लाइव दर्शन कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से, ब्रह्म सरोवर से। और ये ब्रह्म सरोवर हर हिंदू का हृदय सम्राट है, हर सनातनियों की आत्मा है, हर भारतवासियों के ये हमारे ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक और जीवन से जुड़ी हुई अद्भुत ये हमारी शैली है। मैं चाहता हूँ हमको अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपने पुराणों पर, पौराणिक वस्तुओं पर हमें गर्व होना चाहिए और इतना गर्व होना चाहिए कि हम सब मिलकर इनकी और शोभा को बढ़ाएं और धर्म को बढ़ाएं। धर्म ही जीवन जीने की कला है। जो धर्म से जुड़े रहते हैं, धर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। धर्म ना दूसर सत्य समाना, वेद पुराण नगम बखाना। सभी आप जरूर जोड़ते जाएं और मैं तो चाहता हूं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, क्योंकि हमको ये ब्रह्म सरोवर गीता का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाना है। ये तभी फैलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रह्म सरोवर की महिमा को, गीता की महिमा को, कुरुक्षेत्र की महिमा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि हर हिंदू तक, हर देशवासियों तक, विश्व में सभी धर्म गीता को मानते हैं। कोई भी धर्म क्यों ना हो, गीता को सभी मानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरूर जरूर इस ब्रह्म सरोवर के दर्शन आप कर रहे हैं, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा घर घर तक, इस कुरुक्षेत्र की महिमा को, भगवान श्री कृष्ण की गीता की महिमा को, इस ब्रह्म सरोवर की महिमा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन जन तक पहुँचाएँ। क्योंकि धर्म से जुड़ना ही मानवता का लक्ष्य है और हर सनातनी, हर हिंदू, हर भारतीय का ये गौरव है। और ये हमारे पुराण वेद जो शास्त्र हैं, यही हमारे जीने की कला है, जीने का रास्ता है। और मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रह्म सरोवर को शेयर करेंगे। गीता ज्ञान की नगरी, गीता के उद्गम की नगरी और पूरे विश्व को एक माला में परोए जाना वाला जो ज्ञान है वो गीता है। तो ऐसी दिव्य अलौकिक नगरी कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर का जो आप दर्शन कर रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि हर हिंदू को ब्रह्म सरोवर के बारे में जानकारी मिलेगी, कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी मिलेगी। माँ गंगा की अपार कृपा आपने पहले देखी, 4 दिन पहले मैंने वहाँ से लाइव किया तो उसको लगभग 90 लाख लोग उसको देख चुके हैं। और मैं चाहता हूँ इसी प्रकार इस ब्रह्म सरोवर की महिमा को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक पहुंचाएं और उसका एक ही माध्यम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे मैं ऐसे ही आपको धर्म क्षेत्रों से, धर्म की नगरियों से आप तक, हर हिंदू तक, हिंदू जगाने के लिए, हिंदुओं को धर्म से जोड़ने के लिए जो मेरा प्रयास है उसमें मैं सफल हो सकूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं अपने लिए नहीं, आप सबके लिए, आप सबके अंदर जो अंदर बैठी हुई दिव्य आलौकिक आत्मा है, दिव्य आलौकिक ज्ञान है, उस ज्ञान को जगाने के लिए आपके अंतरण में भारत की संस्कृति को, भारत के वेद पुराण ग्रंथों को, इसीलिए हमारा देश विश्वगुरु कहलाता है, इन्हीं दिव्य आलौकिक तीर्थों के द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि जरूर आप इस ब्रह्म सरोवर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आज पूरे विश्व में फिर जिस प्रकार गीता का ज्ञान गया था, एक बार नया फिर ये ब्रह्म सरोवर के दर्शन जब जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा धर्म मजबूत होगा, भारत की संस्कृति मजबूत होगी। यहाँ खट्टर साहब ने, मोदी जी ने
इसका उद्घाटन किया था। कई बार मोदी जी यहाँ पर आए हैं ब्रह्म सरोवर पर, और वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, भारत के धर्म को बढ़ावा दिया जाए। और सभी धर्मों का सार गीता है, और गीता को सभी धर्म मानते हैं क्योंकि वो सत्य है। सत्य को सभी धर्म मानते हैं, सभी देशवासी नहीं पूरा विश्व मानता है। तो ये धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, गीता की नगरी कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर से आप लाइव दर्शन कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। और हमारे सरदार जी हैं, सरदार जी कहाँ से हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आसपास ही हैं? हाँ जी मानता हूँ। अच्छा, तो कुरुक्षेत्र की क्या महिमा है? बहुत बढ़िया जी, ये तो प्रचार बहुत बढ़िया है। जय जयकार हो रही है। हमारे सरदार जी बता रहे हैं कि यहाँ की महिमा तो अपर पार है, और पूरे देश में, पूरे विदेश में और पूरे दुनिया में ये दिव्य अलौकिक धाम, अलौकिक धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में भी ब्रह्म सरोवर, और ब्रह्म सरोवर में भी ये जो आप जल का दीदार कर रहे हैं, ये अद्भुत ऐसा जल है जिससे संपूर्ण पापों को, कष्टों को, दुखों को दूर करता है। और इस जल की महिमा है, अगर सूर्य ग्रहण में इसमें स्नान किए जाएं तो अक्षय यज्ञ के बराबर, अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें साक्षात त्रिलोकी के नाथ नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने डुबकी लगाई थी। हमारी ब्रज की लाडली पूरे ब्रह्मांड की नायिका श्री अनंत विभूष श्री जी राधिका रानी ने इस सरोवर में डुबकी लगाई थी। इसमें रुक्मणी जी ने, भगवान की संपूर्ण पत्नियों ने, 16,108 पत्नियों ने डुबकी लगाई, इसलिए इस ब्रह्म सरोवर की महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये ब्रजवासियों का तो हृदय है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुँचते हैं, भगवान कृष्ण का जहाँ नाम होता है वो धाम तीर्थ बन जाता है। तो अद्भुत तीर्थ नगरी कुरुक्षेत्र से फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको साधुवाद। हमारे राजेश पहलवान जी हैं जो आचमन कर रहे हैं ब्रह्म सरोवर में। ब्रह्मा जी महाराज की जय, बल गुरु जी महाराज की जय, जय हो। जूता उतार के जोर से बोले करो, दिल खोल के बोले करो। सभी को राधे राधे। और आज सबसे बड़ी आशीर्वाद रूपी ये शुभकामना तो हमारे रेवती रमन वकील साहब को मिली है, जो आज रेवती रमन जी को व्यास पीठ का जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा यहाँ कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबू जी महाराज पधारे, और ब्रह्म सरोवर का आचमन किया, और गीता भवन के दर्शन कर सभी भक्तों को ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की महिमा बताकर अपने धर्म के प्रति जागरूक किया, और सभी भक्तों को आशीर्वाद वचन बोलकर ब्रह्म सरोवर घाट से शव की सुख समृद्धि स्वास्थ्य की कामना की। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सभी अपने शिष्यों के साथ, महाराज राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज आज कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पदार्पण कर अपने विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष, कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष को आज मनोनीत करेंगे। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज विश्व में धर्म का झंडा फहराने के लिए एवं विश्व में अपने धर्म की ध्वजा फहराने के लिए हर घड़ी तत्पर रहते हैं, अपने धर्म का हर समय प्रचार प्रसार, लोगों तक ज्ञान की गंगा बहाते रहते हैं। और बरकाधाम आश्रम बल्लभगढ़ सोपटा रोड चावला कॉलोनी पर हर रविवार को
समागम होता है एवं महाराज जी को जो गणेश चतुर्थी के दिन दिव्य शक्ति प्राप्ति हुई है उसके द्वारा राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबू जी महाराज सभी के दुखों को दूर करते हैं। उनके मन में जो भी बात होती है उसको जानकर उनके दुख निवारण करते हैं एवं उनकी परेशानी को बताकर, उनकी समस्या को बताकर उसका समाधान बताते हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान कर उनके दुख दोष निवारण करते हैं। और समय के साथ साथ ब्रज वृंदावन में, वृंदावन मथुरा की परिक्रमा करके, गोवर्धन की परिक्रमा कर, ब्रज परिक्रमा करके राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबू जी महाराज ब्रज की महिमा को बढ़ाते हुए अपने ब्रज की महिमा गुणगान करते हुए क्षेत्र का देश विदेशों तक नाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबू जी महाराज जो धर्म का नाम स्थापित कर रहे हैं वो बड़ा ही अद्भुत समय होता है जब हम अपने देश और धर्म के प्रति हमेशा तत्पर रहकर अपने देश और धर्म को बुलंदियों तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास करते हैं। ये हमारे देश के ऋषि महात्माओं और संतों का गहना होता है कि वो हमेशा धर्म को सिरोधार्य करके उसके प्रचार प्रसार के लिए रात दिन तत्पर रहें। ऐसा ही राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबू जी महाराज हमेशा देश विदेशों तक अपने धर्म की पताका फहराते रहते हैं एवं जहां भी जाते हुए रास्ते में जो भी धार्मिक स्थान, मंदिर, सरोवर, कोई भी धार्मिक स्थान पड़ता है उस पर राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबू जी महाराज उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। जो कि अभी कुछ दिन पहले माँ गंगा की गोद में बैठकर उन्होंने एक माँ गंगा का गुणगान किया, लाइव किया, उस वीडियो को लगभग करोड़ों लोगों ने देखा है। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था वो, माँ गंगा की जो पाप नाशनी माँ गंगा सबका उद्धार करती है, माँ गंगा की गोद में बैठकर जो राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज ने माँ गंगा का गुणगान किया, माँ गंगा ने अपने आशीर्वाद से सभी के दोषों को निवारण के लिए आशीर्वाद प्रदान किया और राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज जी के मुख से महिमा का वर्णन हुआ जिसको कम से कम करोड़ों लोगों ने देखकर अपने जीवन को धन्य बनाया। इसी श्रृंखला में आज ब्रह्म सरोवर के घाट पर राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबू जी महाराज कुरुक्षेत्र की पावन भूमि की भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को माध्यम बनाकर उपदेश देने का एवं ब्रह्म सरोवर में नहाकर अपने जीवन को मुक्त बनाने का जो वेद पुराणों में वर्णन किया गया है उसकी महिमा को बताकर आज राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने भक्तों को इस लाइव वीडियो के द्वारा पहुंचाकर सभी भक्तों की स्वास्थ्य, समृद्धि एवं सुखी रहने की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण से ब्रजभूमि से चलकर यहाँ आए राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज सबकी कलावृत्तियों का निरीक्षण कर उनको धन्यवाद एवं कलावृत्ति खरीदते हुए बड़ा ही सुंदर मनोहर दृश्य सभी श्रद्धालु राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के जो भक्ति वीडियो लाइव और समागम सुनते और देखते हैं। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज उनके सुख समृद्धि
के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे कृष्ण भगवान, हे बांके बिहारी, मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना एवं सबको सुख समृद्धि प्रदान करना, सभी को स्वस्थ रखना। ये बड़ा मनोहर दृश्य बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल, ये आज बरका धाम आश्रम से चलकर राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज पावन क्षेत्र कुरुक्षेत्र की धरती पर पदार्पण करते हुए गीता भवन के दर्शन कर, ब्रह्म सरोवर के दर्शन कर, चरणामृत प्राण कर पान कर एवं इस जीवन में हमको कहां से कहां क्या प्राप्त होता है उसकी महिमा बताकर, ब्रह्म सरोवर की महिमा बताकर सभी भक्तों तक ब्रह्म सरोवर की कुरुक्षेत्र की महिमा बताकर इस वीडियो के माध्यम से कुरुक्षेत्र में जाकर, ब्रह्म सरोवर पर जाकर सभी भक्तों की सुख की कामना की दुआ करते हुए राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज आज सुहाना पल सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से ही बरका धाम आश्रम से जो कि 5 बजे निकले हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चलकर ब्रह्म सरोवर के दर्शन किए एवं गीता भवन के दर्शन किए। यहाँ राधे 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 राधे, यहाँ सभी साधु संतों के साथ में महाराज जी, एक बार महाराज जी राधे राधे, कुरुक्षेत्र जी की महिमा का वर्णन करें आप, बताएं हमें। हमारे राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज वृंदावन से ब्रज से चलकर आए हैं और अच्छा बाहर से आए हो आप दर्शन करने, कुरुक्षेत्र की महिमा बताएं ब्रह्म सरोवर की। अच्छा, आप दर्शन करने आए हो, घूमने आए हो। हो सकता है बाकी इसका है कि हाँ कुरुक्षेत्र में वो लड़ाई हुआ था अर्जुन भीम के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ से चलकर आए महाराज जी? हम है बिहार से। बिहार से चलकर आए हो, रहने अभी रहता है तो यहाँ पंजाब में। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है महाराज जी, आप कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की इस अर्जुन के द्वारा रणभूमि में सत्य की विजय पर आप पधारे और ब्रह्म सरोवर के आपने दर्शन किए और आप इस दर्शन करके इस देश के लिए और अपने भक्तों के लिए, धर्म के लिए आप ऐसे ही निरंतर हमेशा दुआ करते रहें सभी देशवासियों के सुख की समृद्धि की। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे संत मिलते हैं, उनसे दंडवत प्रणाम होती है और आप जैसे संतों की जो आशीर्वाद रूपी वाणी है वो सभी देशवासियों को फलती है। बड़ा ही अद्भुत नजारा है महाराज जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर, श्रद्धालुओं पर बना रहे। राधे राधे, पुल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ये गुरु जी के भक्त कलावृत्ति खरीद कर ले जाते हुए, ये अपनी अपनी कलावृत्ति गुरु जी के लिए खरीदते हुए बरका धाम आश्रम में जाकर इन कलावृत्तियों का स्थापन कर वहां पर भक्तों को कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से लाई हुई कलावृत्ति का दर्शन सभी को कराया जाएगा। ब्रह्म सरोवर से, क्योंकि मानना है कि जिस पावन धाम में जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ वहां की अच्छी निशानी लेकर आते हैं, इसलिए सभी भक्तगण राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे
बाबूजी महाराज जी के साथ में कलावृत्ति बरका धाम आश्रम के लिए ले जाते हुए सभी भक्तों को इनके दर्शन कराएंगे। के बिहारी लाल की जय, बोल गुरु जय की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल गुरु जी महाराज की जय, रानी की जय, बोल वंशी मारे की जय, जय जय श्री लाल, बोल आज के आनंद की जय। आज बरका धाम आश्रम सुबह ब्रह्म मुहूर्त से चलकर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज जी के सानिध्य में हम सभी भक्त कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पधारे आए और यहाँ राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने गीता धाम के दर्शन कर, ब्रह्म सरोवर के पावन दर्शन कर, सभी अपने भक्तों के लिए लाइव करके सभी को दर्शन कराए एवं सभी के लिए सुख समृद्धि सुखी रहने की भगवान कृष्ण से दुआ की। इसी के साथ राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ब्रह्म सरोवर के घाट पर से सभी भक्तों को दर्शन देते हुए इस लाइव के माध्यम से सभी भक्त राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के दर्शन करेंगे एवं बाबूजी के प्रवचन वाह आशीर्वाद वचन सुनकर सभी भक्त अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बड़ा ही मनोहर दृश्य है आज, बड़ा ही सुखद एवं श्रद्धापूर्ण समय जो के परमधाम कुरुक्षेत्र में पधारे राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज। राधे राधे, जय श्री राधे। विष्णु शर्मा जी, जय श्री राधे। आप तो शायद कुछ एसपी सिंह राणा जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। स्वाति तनेजा जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सेक्टर 18 से बबीता बड़ाना जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, देखिए आप दिव्य नगरी, आलौकिक नगरी, धर्म की नगरी, सत्य की नगरी और पाप पुण्य की नगरी, जो जैसा करता है वैसा फल देने वाली जो नगरी है वो कुरुक्षेत्र है। गीता का ज्ञान भगवान ने दिया, सत्य की जीत हुई, असत्य की हार हुई, यानी अनीति की हार हुई, नीति की जीत हुई। पांडव और कौरवों का इतिहास आपने सुना होगा, पांडवों की यहाँ जीत हुई थी, कौरवों की हार। जो महाभारत युद्ध हुआ और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये दिव्य आलौकिक धाम ब्रह्म सरोवर है, और ब्रह्म सरोवर हमारे पौराणिक ग्रंथों में, महाभारत ग्रंथ में जिसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, इसमें जो भी स्नान करते हैं हमारे संपूर्ण पापों का क्षय होता है। सूर्य ग्रहण के समय पर अगर ब्रह्म सरोवर में स्नान किए जाएं तो अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण पापों का क्षय होता है। और आप दर्शन कर रहे हैं और दर्शनों का दर्शकों आपके अंदर भक्ति जगती है, जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं। शास्त्र कहते हैं दरस परस मुखमंजन पाना, कटे हूँ पाप के वेद पुराना। तीर्थों के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, इसमें डुबकी लगाने से, आचमन करने से, थोड़े से जल के छींटे भी अगर शरीर पर पड़ जाएं तो इससे ही भगवान की कृपा प्राप्त होने लगती है। और ऐसे तीर्थों में जब आएँ तो कुछ ना कुछ सामान यहाँ से जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ का सामान जाता है तो वहाँ की कृपा उस रूप में चली जाती है। इसलिए बरका धाम के लिए ये आप देख रहे हैं, ये अभी लिए हैं यहाँ से और ये वहाँ की शोभा बढ़ाएंगे। तो इनमें कुरुक्षेत्र की दर्शन वहाँ होते रहेंगे, धर्म नगरी के दर्शन वहाँ होते रहेंगे। आप देख रहे हैं बड़े सुंदर सुशोभित, हमारी हस्तकला मिट्टी के बने हुए हैं, बड़े सुंदर सुशोभित हैं। और यहाँ मेला लगा हुआ है क्योंकि गीता जयंती है, गीता जयंती के अवसर पर खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर जी ने उद्घाटन इसका मेले का किया है।
और यहाँ कई बार हमारे मोदी जी भी आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं। उन्होंने दिव्य कितना सुंदर सुशोभित इस सरोवर का निर्माण कराया है हरियाणा सरकार ने। बहुत ही सुंदर सुशोभित एक धार्मिक स्थली तो है ही है, एक पर्यटक स्थली भी ये बन गई है। तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ब्रह्म सरोवर की महिमा घर घर तक, जन जन तक, हर हिंदू तक, विश्व में जिस प्रकार गीता को माना जाता है, गीता की जो अद्भुत जो महिमा है पूरे विश्व में, उसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक को गीता को पहुँचाया जाए, जैसे आप आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। महेश गौर जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े आप ब्रज क्षेत्र में बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। परमीत चौधरी जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मुझे लगता है आप समागम में आ रहे हैं जो मढ़ोखरा धाम में होने जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत कुरुक्षेत्र की धरती से, गीता ज्ञान की गंगा क्षेत्र से, आपको सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारी पूरी टीम ब्रह्म सरोवर के दर्शन कर रहे हैं अभी, और आप दर्शन करते रहिएगा। जो यहाँ अद्भुत मेला लगा हुआ है, संत जी यहाँ पर भजन ध्यान कर रहे हैं, स्नान किया है ब्रह्म सरोवर में। आप ब्रह्म सरोवर के दिव्य दर्शन कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप दर्शन करें, पुण्य के भागी बने ब्रह्म सरोवर। और ये अद्भुत कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेला लगा हुआ है और ये मेला चलेगा 6 दिसंबर तक। अद्भुत भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो हस्तमेला, हाथों से बना हुआ जो सामान है, भारत के ग्रामों ग्रामीण आंचल से यहाँ पर कलाकार आते हैं जो अपनी कलाकृति को यहाँ पर दिखाते हैं। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से आप लाइव दर्शन कर रहे हैं। कुंती घाट ये हाथों से बने हुए हमारे भारत के अद्भुत कला। हाँ हाँ अच्छा हाँ, यहाँ हंदे उनको रंगारंग कार्यक्रम, हमारे भारत की संस्कृति। हाँ ये देखिए हमारे नाथ समाज के और भारत की संस्कृति के जो शिवजी महाराज के गण हैं, जो पूरे विश्व में इनका परचम फहराते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं बड़े सुंदर तरीका से। ये गीता की नगरी, ज्ञान की नगरी, कुरुक्षेत्र की महिमा को बढ़ा रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। ये देखिए भजन आंदे हो।
बड़ा ही मनमोहक दृश्य ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के घाट पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज नाथ संप्रदाय के लोगों के साथ बड़ा ही सुंदर दृश्य बीन ढोल एवं डमरू के द्वारा इस पावन धाम कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज संस्कृति को बढ़ावा देते हुए सभी कलाकारों का मनोबल बढ़ाते हुए नाथ संप्रदाय के लोगों के साथ जो कि बड़ी सुंदर प्रस्तुति ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के किनारे नाथ संप्रदाय के लोग दिखा रहे हैं, ये बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर आज सुबह 5 बजे बरकाधाम आश्रम से चलकर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर गीता धाम के दर्शन कर ब्रह्म सरोवर पर पधारकर नाथ संप्रदाय के द्वारा बड़ी अच्छी प्रस्तुति देते हुए देख राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज ने उनके साथ में बैठकर उनकी कला की प्रशंसा करते हुए नाथ संप्रदाय के लोगों का मनोबल बढ़ाया एवं अपने देश की संस्कृति के लिए सभी को जागरूक किया एवं उनके हाथ से लेकर राधे राधे बाबूजी महाराज का वादन करते हुए तुम्मा तुम्मा बजाकर राधे राधे बाबूजी महाराज राष्ट्रीय संत नाथ संप्रदाय के लोगों को उनकी कला वृत्ति का एवं उनकी इस कला की प्रशंसा कर एवं उनका तुम्मा तुम्मा बजाकर सहयोग करते हुए बड़ा ही अलोक नजारा ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर यहाँ इस दुनिया में देखने को जो अजूबा है वो ये है कि राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज नाथ संप्रदाय के लोगों का मनोबल उनकी प्रस्तुति का मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं उनके साथ में एक तुम्मा नाम का यंत्र वादन यंत्र होता है उसको बजाते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए सभी अपने भक्तों को ब्रह्म सरोवर के घाट से दर्शन देते हुए ये बड़ा ही अद्भुत नजारा है। जय हो, उनको उनकी कलावृत्ति पर उनको इनाम देते हुए उनको इनाम भेंट करते हुए राधे राधे बाबूजी महाराज सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए बड़ा ही मनमोहक दृश्य इस दृश्य को देखने के लिए हमने लाइव वीडियो चलाया है जिससे राधे राधे बाबूजी महाराज जी के सभी भक्त राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज की कलावृत्ति देखते हुए और सभी संगीतकारों का मनोबल बढ़ाते हुए राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज इस मनमोहक दृश्य का आज आपने बड़े ही अच्छे ढंग से इस लाइव वीडियो के द्वारा दर्शन किया होगा। ये बड़ा ही परम सौभाग्य का दिन है जो इस तरह की कलावृत्ति आपको देखने को इस लाइव वीडियो से मिली एवं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज जी के द्वारा इन कलाकारों का मनोबल बढ़ाया और इनको इनकी कलावृत्ति से इनकी मनोरंजन से खुश होकर उनको इनाम दिया एवं हर जगह जगह जाकर कलावृत्तियों की सराहना की। कुछ कलावृत्ति अपने साथ में बरकाधाम आश्रम के लिए भी साथ लेकर चले हैं। इस पावन धरा पर आज जो आनंद का अनुभव हुआ है वो अतुलित है, वो वर्णनीय है, वो हमेशा यादगारी में रहेगा। आज आपको इस लाइव वीडियो के माध्यम से हमने साथ जाकर जो दर्शन किए हैं आपको हमने इस लाइव वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों को दर्शन कराए हैं और बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य का गुरुजी
ये गांव की कला। अच्छा आ जा भाई, ये बड़ा ही सुंदर दृश्य, हर जगह जाकर नई नई बंचारी देगा। ये अपनी ब्रजभूमि के ही कुछ कलाकार यहाँ कुरुक्षेत्र में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ ये ढोल बजाकर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबू जी महाराज अपनी इनकी कला की सराहना करते हुए इनका जय हो बुलंदी वाले की जय। बहुत सुंदर नजारा भगवान कृष्ण की इस न्याय की भूमि पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का पदार्पण एवं सभी कलाकारों का उत्साह वर्धन करते हुए राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज खुद नगाड़े बजाते हुए नगाड़ा बजाते हुए जो कि गांवों में नगाड़े की जो होरियों में होलिका पर नगाड़ा बजाकर नाच गायन की जो क्रिया थी उसका विशेष महत्व हमारे ब्रज में था। आज इस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर सभी बंद कर साइड दे मैं काम काट क्यों दियो चलता रहे जय हो जय जय श्री श्री राधे आनंद के लाला की जय श्री राधे शाबाश है बंसी वाले शाबाश है राधा रानी की जय श्री राधे महाराज की जय श्री राधे जय श्री राधे बोल कुरुक्षेत्र धाम की जय नगरी की जय भगवान की जय आगे भगवान की जय आगे भगवान की जय आगे भगवान की जय भक्तों के भगवान की जय संतों के भगवान की जय भक्तों के भगवान की जय ज्ञान सुनने वाले भगवान की जय शरीर बढ़ाने वाले भगवान की जय व्यक्ति बताने वाले भगवान की जय भगवान की जय हो आगे भगवान की जय हो भगवान की जय हो भगवान की जय हो नगरी के भगवान की जय हो वृंदावन भगवान की जय हो भगवान की जय हो आगे भगवान की जय हो खंडाले भगवान की जय हो गोड़ने वाले भगवान की जय हो रचाने भगवान की जय हो करने भगवान की जय हो भगवान की जय हो जय हो बंसी वाले चावास जय जय श्री राम फल गुरु जी महाराज की जय।
ताज के आनंद की जय। आज कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पधारे बरकाधाम आश्रम से चलकर राधे राधे बाबूजी महाराज जी के द्वारा यहां सभी संतों को लाइव वीडियो द्वारा दर्शन कराकर आशीर्वाद प्रदान किया एवं जो ब्रज की मस्ती है वो आज यहां हम सभी के द्वारा राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज जी के पावन सानिध्य में की गई। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, बागे बिहारी लाल की जय, गुरु जी महाराज की जय। राधे राधे सभी को, दर्शकों आज बड़ा ही आनंद बरसा है और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों ने जय जयकारों से पूरे कुरुक्षेत्र की नगरी को और पावन पवित्र और सुशोभित कर दिया। और ये आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र धर्म नगरी, गीता की नगरी, ब्रह्म सरोवर और यहाँ पर गीता भारतीय सनातन परंपराओं का अद्भुत ग्रंथ है। यह केवल ग्रंथ ही नहीं अपितु प्रत्येक समस्या का समीचीन समाधान, दुखों की समूल निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का माध्यम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ने के लिए QR कोड स्क्रीन करें। सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा सरकार भी कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 19 नवंबर से 6 दिसंबर, फिर एक बार पढ़िए, गीता भारतीय सनातन परंपराओं की ही अद्भुत ग्रंथ है, परंपराओं का अद्भुत ग्रंथ है। यह केवल ग्रंथ ही नहीं अपितु प्रत्येक समस्या का समीचीन समाधान, दुखों की समूल निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का माध्यम है। ये भगवान श्री कृष्ण हैं जो रथ को हाँक रहे हैं और पीछे अर्जुन बैठे हुए हैं और ये हमारे गुरु सरना ज्ञानानंद जी महाराज हैं जो वृंदावन के हैं। इन्होंने अपना यहाँ पर झंडा गाड़ा हुआ है। ब्रह्म सरोवर ये आप देख रहे हैं। ब्रह्म सरोवर का संबंध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से माना जाता है। प्राचीन काल में यह सरोवर राम हृदय वय समंत पचक के नाम से भी प्रसिद्ध रहा। भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का इस सरोवर से विशेष संबंध रहा है। लौकिक आख्यानों के अनुसार इस सरोवर की सर्वप्रथम खुदाई राजा कुरु ने करवाई थी। इसी स्थल पर प्रजापति ब्रह्मा ने सबसे पहले यज्ञ किया था। कुरुक्षेत्र प्राचीन काल में ब्रह्मा की उत्तर वेद, ब्रह्म वेद व सम्मत पंचक नाम से भी जाना जा रहा है। कुरुक्षेत्र तीर्थ व ब्रह्म सरोवर एक दूसरे के पूरक व अभिन्न भाग रहे हैं। सूर्यग्रहण में विशाल जन समुदाय द्वारा स्नान के लिए प्रयोग होने वाला यह सरोवर कुरुक्षेत्र सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यग्रहण के समय इस सरोवर की पावन जल राशि आनंदित काल से ही भारत व भारतवर्ष के बाहर से श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान के लिए प्रेरित करती रही है। ये हमारे ब्रह्म सरोवर की महिमा है। हरियाणा टूरिज्म, हरियाणा सरकार द्वारा ये यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं। मड़ोकरा धाम वहां पर इंतजार कर रहे हैं। अभी वैसे तीर्थ नगरी से जाने का मन तो नहीं था परंतु आगे भी कार्यक्रम है। अब एक कार्यक्रम तो पहवा का रह गया है, उसको फिर देखते हैं। पहले जो जरूरी काम है, जो यज्ञ है, अनुष्ठान है और दरबार है, वहां पर पहुंच रहे हैं। मड़ोकरा धाम की ओर प्रस्थान, वहां पर संगत इंतजार कर रही है और आप सभी को राधे राधे। रेवती रमन जी राधे राधे। आप बहुत ही अच्छे हमारे संस्था के हेड हो हैं। स्वाति तनेजा जी कपूर चंद आगरा से, जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। आपको भी ब्रह्म सरोवर के स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ है। लग गई। चलो भाई आएगा भाई सब।